नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं ये LCD राइटिंग टेबल, ठीक है। ये हमारा टेक्निकल वीडियो नहीं है, बट आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे, अभी नर्सरी में या LKG में है, तो उसको प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो पेंसिल और चौक और ये ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है वो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप इस टैबलेट की मदद से ही वो अपना राइटिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग और प्रैक्टिस, कैलकुलेटर यानी जो भी प्राइमरी एजुकेशन है वो इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये बैटरी ऑपरेटेड ये टैबलेट है, ठीक है, जो कि LCD राइटिंग टैबलेट है। तो इसमें मैं यहाँ पे देख दे रखा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नो पेपर नो चॉक, ठीक है। आपको इसमें पेपर भी यूज़ नहीं होगा और ये चॉक भी यूज़ नहीं होगा और ना ही आपको ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये 5 कलर में अवेलेबल है, किसी कलर में ले सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है और किस तरीके से वर्क करता है। ये देख सकते हैं ये हमारा टैबलेट है, ठीक है, LCD राइटिंग टैबलेट है। तो इसको यूज़ करने के लिए ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इरेस बटन, ठीक है। आप जो भी इस पर लिखेंगे तो ये दबाने पर आपका ये इरेस हो जाएगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा वो इरेस हो जाएगा, ठीक है, मिट जाएगा। तो सबसे पहले इसको बताते हैं किस तरीके से लिखना है। ये हमारा इसमें पेंसिल जो दिया होता है यही पेंसिल का यूज़ करना है इस पर। यहाँ से पेंसिल हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इस पर कुछ भी लिखेंगे जैसे कि ABCDEFGH, कुछ भी इस पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इरेस बटन है, इसको प्रेस करना है और ये आपका मिट जाएगा। जैसे दबा करके हम देखते हैं, दबाएंगे ये आपका जो भी लिखा हुआ रहेगा मिट जाएगा, ठीक है। क्राफ्ट बनाने का इस पर आसानी तरीके से सीख सकते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। तो आपको अगर लेना हो तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ऐसे आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ये आपको 159 के आसपास आ जाएगी। तो आप लिंक में जा कर के अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको लगाने, इसको यूज़ करने के बाद जैसे यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे तो इसको दबा करके बंद कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं उसको बड़ा सा ए दे दिए, ए लिखने के लिए दे दिए, ठीक है। तो इस पे वो प्रैक्टिस करता रहेगा, जैसा आपको छोटे बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है तो इस तरीके से ए लिख करके प्रैक्टिस करता रहेगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तो इसको आप इरेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीछे साइड में ये लॉक अनलॉक का बटन भी दिया हुआ है, अगर ये लॉक कर दे, अभी अनलॉक किया हुआ, अगर लॉक कर देते हैं इसको भी हम यहाँ से लॉक कर दिए, ठीक है। अब इस पर कुछ भी लिखेंगे, हम कुछ भी लिखेंगे ये दबाने पर इरेस नहीं होगा जब तक वहाँ से हम पीछे से अनलॉक नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनलॉक करके ही हम रखेंगे क्योंकि बच्चे का है तो बार बार उसको इरेस करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अनलॉक पे कर देंगे, ठीक है। अनलॉक पे करते ही यहाँ पे देख रहे हैं जो भी है वो मिट जा रहा है। तो ये अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में मतलब प्राइमरी एजुकेशन अभी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है। आप उसको मोबाइल की जगह पे ये टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। बैटरी हमारा ये बैक साइड में यहाँ पे बैटरी लगता है, ठीक है, बैटरी यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे ये मतलब वॉल में हैंग करने के लिए वो किसी कील में है,
जैसे बच्चे ने यूज कर लिया, अगर यूज किया हुआ हो गया है तो यहाँ से आप उसको दीवार में ऐसा हैंग कर सकते हैं, ये जो किल में इसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बैटरी देखते हैं किस तरीके का बैटरी है। ये बैटरी अभी नहीं निकल पाएगा क्योंकि बैटरी यहाँ पे ये जो स्क्रू लगा हुआ है स्क्रू पे फिक्स है। ठीक है, तो ये जब छोटा वाला स्क्रू जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्क्रू दिख रहा है ये स्क्रू खोलेंगे उसके बाद ये जो बैटरी का सिस्टम है यहाँ पे, ये बैटरी पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है बैटरी चेंज करने का, तो इसके लिए निकालेंगे नहीं। जो कि सिक्का वाला जो बैटरी होता है, ये सिक्का वाला जो बैटरी होता है वही बैटरी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो आपको 2 साल बाद ही बैटरी चेंज करना है तो आपको ये खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी अपने घर के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप अमेज़न पे परचेज कर सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।